हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम जो क्लास टेंथ का जो मैथ का चैप्टर है 8 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसके जो लास्ट सम बचते हैं 8.3 के 6-7 उनको डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो इसके 1-5 क्वेश्चन है वो भी हमने डिस्कस किए हैं, आप चाहो तो जाके देख सकते हो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 6 एंड क्वेश्चन 7। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन 6 में क्या गिवन है, इफ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी, कोई भी ट्रायंगल ए बी सी है, आंसर 6 है, ए बी सी है, तो वहां पे हमें क्या गिवन है, ये ए बी सी है ना, ये इंटीरियर एंगल है, ये वाले जो एंगल है, तो वहां पे हमें क्या दिखाना है, हमने शो करना है हमने साइन बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू कोस ए बाई टू, ये वाली चीज हमने इसके इक्वल दिखानी है। तो कैसे दिखा सकते हैं हम, यहाँ पे देखो हमें क्या पता होता है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180, कि यहाँ पे हम क्या पता होता है हमें कि एंगल ए प्लस में एंगल बी प्लस में एंगल सी इज इक्वल टू 180, इतना हमें पता होता है। तो इसको हम यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ, तो इसको सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180। अब यहाँ से हम यहाँ तक जाएंगे कैसे, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि बी प्लस सी तो एक साइड है और ए एक साइड है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, बी प्लस सी और ये हो जाएगा 180 माइनस में ए, इतना हमने देखा। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे क्या है, 2 से डिवाइड है, तो यहाँ पे हम ओवरऑल को क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे हमने डिवाइड करा बी प्लस सी बाई टू और 1 डिवाइड बाई 2, तो दोनों साइड ही होगा ना डिवाइड। उसके बाद यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं इसको, बी प्लस सी बाई टू और ये अलग अलग डिवाइड करेंगे तो ये तो 90 और ये ए बाई टू, इतना हमने दिख गया कि यहाँ पे बी प्लस सी बाई टू अपना आ चुका है, यहाँ पे ए बाई टू भी आ चुका है, लेकिन हमें क्या चाहिए, अब साइन चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेकिंग साइन फंक्शन बोथ साइड बोथ साइड, तो अगर हमने दोनों साइड साइन के फंक्शन को लिया यहाँ पे, तो क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन बी प्लस सी बाई टू और यहाँ पे हो जाएगा साइन 90 माइनस ए बाई टू, ये हो जाएगा। अब हमें क्या पता होता है कि साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कोस थीटा के को, तो यहाँ पे 90 ये है माइनस थीटा ये है, तो ये एज इट इज रहेगा बी प्लस सी बाई टू और ये क्या हो जाएगा, कोस ए बाई टू, और यही चीज हमने दिखानी थी। सिंपल हमने क्या किया कि जो सम होता है ट्रायंगल के सम एंगल्स का वो क्या होता है 180। अभी यहाँ पे हमने देखा कि बी प्लस सी एक साइड है तो बी प्लस सी एक साइड है, उसके बाद यहाँ पे हमारी ये दोनों चीज आ चुके हैं, इसको डिवाइड किया तो 90 माइनस ए बाई टू, उसके बाद दोनों साइड साइन के फंक्शन लिए हमने, तो ये साइन बी प्लस सी बाई टू, ये साइन 90 माइनस ए बाई टू। अब जो साइन 90 माइनस थीटा होता है वो कोस थीटा के इक्वल होता है, तो ये बना कोस ए बाई टू, ये एज इट इज रहा। यही चीज हमने यहाँ पे दिखानी थी कि साइन बी प्लस सी बाई टू है वो किसके इक्वल आना चाहिए, कोस ए बाई टू के। ऐसे आप इसको सम 6 को निकाल सकते हो। अब हम चलते इसके क्वेश्चन 7 पे। क्वेश्चन 7 में हमें क्या गिवन है, एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस में कोस 75 डिग्री इन टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री। ये एक तो हमें गिवन है क्या, आंसर 7, साइन 67 डिग्री, साथ में है कोस 75 डिग्री। इसको हमने ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में लिखना है कि यहाँ पे जो एंगल हो ना वो किसके इक्वल हो, बिटवीन थीटा है वो 0 से तो बड़ा और 45 से छोटा, ऐसे रेशियोज की फॉर्म में निकालना है। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, तो यहाँ पे देखो हम क्या लिख सकते हैं कि साइन, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस में 23 डिग्री, क्योंकि अगर 23 यहां से जाएगा तो ये वापस से 67 बन जाएगा, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कोस 90 डिग्री माइनस में 15 डिग्री, तो क्योंकि यहां से 19 में से 15 जाएगा तो वापस से 75 आएगा। अब क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा तो किसके इक्वल होता है, कोस थीटा के, और कोस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, साइन थीटा के। तो यहाँ से साइन 90 माइनस थीटा है, साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, कोस थीटा, मीन्स कोस यहाँ से थीटा की वैल्यू है 23 डिग्री प्लस में, और यहाँ से कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल, यहाँ पे थीटा की वैल्यू है 15 डिग्री। तो यहाँ से देखो ये वाला जो एंगल है वो 0 से तो बड़ा है और 45 से छोटा है, ये दोनों ही एंगल, तो इन्हीं के फॉर्म में हमने लिख के दिखाना, तो ऐसे आपको ये लिख के दिखाना है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन 6-7 भी कंप्लीट होते हैं और इसी के साथ जो एक्सरसाइज 8.3 है वो भी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक्सरसाइज 8.4 के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।